हम सुनने बरेली वाले हैं, हम सुनने बरेली वाले हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा लगाने वाले। भाई जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आपने हमारे एक भाई को नंबर दिया था अपना। अच्छा जी, आपने कहा था कि कोई बरेलवी मुझसे बात नहीं कर पाता है, डर के भाग जाता है। हाँ तो गाली कोई भी नहीं करता, सब गाली उतार पे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, तो किस आदमी से बात की आपने? दलील तो कोई देते नहीं है। सुनिए सुनिए, क्या उनसे दलील मांगी जाती है तो वो दलील देते नहीं है और गाली गुफ्तार पे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बरेलवियों के किस आलिम से आपने बात की है? आलिम से तो कहाँ, जितने भी वो फेसबुक पे होती है ना। तो एक बात बताइए, जब आपने आलिम से बात नहीं की तो आपने इल्ज़ाम क्यों डाला कि सारे बरेलवी जो है गालियाँ बक के भाग जाते हैं? जब वो आलिमों को मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना, बड़े बड़े उलेमा जो हैं वो तो खुद गाली गुफ्तार करते हैं। अच्छा देखिए, कोई सी भी आप बिना उठाए बिना अच्छा। देखे तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैं कौन सी क्लिप में गाली बकी जरा बताएं मुझे भाई। जब आप दूसरे फिरकों को गालियां देते हैं, मुनाफिक कहते भाई, हैं, काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, आप कादियानी को क्या कहते हैं? कादियानी तो खुल्ला काफिर है। क्यों काफिर है? क्यों कह रहे हैं उसको काफिर? वो भी तो कलमा इजमा पढ़ता है। किसका इजमा है ना? किसका इजमा है? पूरी उम्मत का इजमा है। पूरी उम्मत में कौन कौन है? उम्मत का इजमा है, जरा साबित करिए तो उम्मत का इजमा है कि वो काफिर है। भाई उम्मत तो बरेलवी काफिर कहते हैं उनको, देवबंदी काफिर कहते हैं, अहले हदीस काफिर कहते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, उम्मत किसको कहते हैं? पहले उम्मत साबित करिए, उम्मत की तारीफ करिए। उम्मत जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है उसे उम्मत कहते हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम का मानता है उसे उम्मत कहते हैं। सुनिए सुनिए, जो नबी अलैहिस्सलाम को मानता है और जो नहीं भी मानता उसको भी उम्मत ही नहीं कहेंगे आप? भाई जो मान, कौन ऐसा है जो नहीं मानता? मुसलमान तो ऐसा नहीं, कोई नहीं होता। ये सुनिए, जो गैर मुस्लिम है तो वो हुजूर की उम्मत ही नहीं है? नहीं, वो उम्मत ही नहीं। उम्मत ही नहीं है वो? उम्मत में नहीं है ना, वो कैसे उम्मत ही होंगे? नहीं, उम्मत ही नहीं है वो हुजूर से, जो गैर मुस्लिम है, जो ईसाई है, यहूदी है, नसारा, ये उम्मत ही है हुजूर में? हुजूर की उम्मत में है या नहीं है? ये तो कैसे उम्मत बनाएंगे? अच्छा, ये कहाँ पढ़ा आपने कि वो उम्मत में नहीं है? तो आप बताइए कैसे उम्मत में होंगे। सुनिए मेरी बात, आपको खुद इल्म नहीं है, आप दूसरे से बहस करने का चैलेंज करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरी ये उम्मत है, मैं आखिरी नबी हूँ इस उम्मत का। अब इस उम्मत में हर कोई है, यहूदी भी है, नसारा अच्छा। भी है। जब यहूदी नसाराओं ने, मुशरिकीन मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर बरसाए ताइफ के मैदान में, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इनको कोई सजा ना दी जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, इनको कोई सजा ना दी जाए, ये मेरी उम्मत है, लेकिन इनकी जो नस्लें आएंगी वो ईमान लाएंगी। ये मेरी तो उम्मत आप... में, मेरी बात सुने, आपने हाँ। अपनी उम्मत के लोगों पर अजाब लाने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को मना कर दिया। हाँ। आपको ये इल्म नहीं है कि मुहद्दिस की जमात का इजमा है कि कादियानी काफिर है, आप उम्मत का इजमा बता रहे हैं। आपको इतना इल्म नहीं है, आप दूसरे से बहस करते हैं। आप उनको भी आपने कहा, सुनिए मेरी बात सुने, आपने भी कहा कि आप गैर कौम के मुसलमानों को काफिर कहते हैं, उन पे तबर्रा करते हैं, तो आपने कादियानी पे तबर्रा क्यों किया? क्योंकि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं। शिया के ऊपर क्या करोगे आप? शिया भी साहबा की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो क्या आप शिया के ऊपर तबर्रा नहीं करोगे? नहीं, वो गुमराह है। तो क्यों कह रहे हैं आप गुमराह? जब हम कह रहे हैं तबलीगी गुमराह है, अहले हदीस गुमराह, आप हम पर सवाल उठा रहे हैं कि आपके आलिम गाली बक रहे हैं? अगर हमने तो तबलीगी जमात आप को गुमराह कहा है तो किसी वजह से कहा होगा ना। आपने किसी आलिम से बात की? हाँ, उन्होंने गलती करी है उन्होंने तो। और अहले हदीस ने गलती नहीं करी? लेकिन है ना वो, अहले हदीस ने गलती करी कि नहीं करी? क्या करी? नहीं करी, उनका नहीं पता मुझको कि क्या करी। आप किस कौम से हैं अभी, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? मैं तो भाई जब से मैंने कुरान की आयत सुनी है ना, मुझे बताएं फिरकों आप, में ना आज की बैठो, तारीख तो मैं फिरकों में जाता ही नहीं हूँ। सुनिए मेरी बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरकों में ना बटो। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि नमाज अदा करो, तो लोग नमाज नहीं पढ़ते।
ठीक है, अल्लाह ताला ने यहाँ कैद नहीं लगाई कि मैं तुम्हें फिरकों में नहीं बटने दूंगा। अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा फिरकों में ना बटो, लेकिन हुजूर की हदीस है, आपने फरमाया 72 फिरके हो जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ कैद लगा दी कि हो जाएंगे, अल्लाह ने कैद नहीं लगाई कि मैं होने नहीं दूंगा। जैसे अल्लाह ने कुरान की जिम्मेदारी ली, मैं कुरान को क्या कहते हैं बर्बाद नहीं होने दूंगा या कुरान को खत्म नहीं होने दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तो नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने यहाँ कहा कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। यहाँ ईमान वालों की बात हो रही है, लेकिन जो फिरका बनाएंगे वो गैर ईमान वाले होंगे। तो हुजूर ने फरमाया 72 फिरके होंगे, वो जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो आप मुझे बताइए, वो 72 फिरके जो होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, क्या वो नमाज नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। क्या वो कलमा नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। तो वो 72 फिरकों के ऊपर अगर आप तबर्रा करेंगे या लोगों को उनसे बचाएंगे, तो ये तो हुजूर की सहाबा की सुन्नत हुई ना, तो इसमें फिर गाली गलौज कहाँ से आ गई? बचाओ, मैं ही कहता हूँ आप बचाओ उनको। तो मैं बचा रहा हूँ ना आपको, मैंने हिकमत के साथ बचाओ आप उनको। यार सहाबा तो गर्दन काट देते थे, तुम क्या बात कर रहे हो? सहाबा तो अगर सहाबा ने गर्दन काटी हो तो जाओ। चलो ठीक है, मैं साबित करता हूँ। आपने कहा कि सहाबा ने गर्दन काटी है, वो साबित करो, आप यही बोला ना आपने। चले ठीक है। हजरत अली करमुल्लाहुल करीम के जमाने में एक खारजी फिरका हुआ, वो भी नमाज पढ़ता था, रोजा भी रखता था, लेकिन हजरत अली को काफिर कहता था। हजरत अली ने फरमाया कि उनको बुला के लाओ। तो हजरत अली ने पूछा, भाई आप मुझे काफिर क्यों कहते हो? क्या कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, और आपने मिंबर पे खड़े होकर तकरीर की थी, उसमें ये कहा था कि मैं इस कबीले का हाकिम हूँ, तो आपने कुरान के खिलाफ काम किया और आपने शिर्क किया, तो आप काफिर हुए। तो हजरत अली करमुल्लाहुल करीम ने कहा इनको पकड़ो और कत्ल कर दो, ये कुरान को खुद से समझते हैं, इनको पकड़ो और कत्ल कर दो। आप ये सही हदीस से साबित कर सकते हैं? बिल्कुल सही हदीस साबित कर सकता हूँ। बताइए कौन सी किताब लिखा भाई? हाँ सुनिए, तारीख तबरी में है और अलविदाया वल निहाया। अरे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, अलविदाया वल निहाया में है, इब्ने कसीर लाए इसको, तारीख तबरी में है, इमाम तबरानी ने इसकी सनद सही बताई है, ठीक है। तारीख तारीख दमिश्क में भी मिल जाएगा आपको ये वाक्या। और हजरत अली करमुल्ला तुमजुल करीम की खिलाफत और ख्वारिज की सजा, इस पर एक पूरा रिसाला लिखा था अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने। अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में हदीस की तबलीग की थी, सबसे पहले हदीस लेके वही आए थे, ठीक है। उनकी किताब में भी आपको मिल जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, चलिए आप कहते हैं कि ये सही हदीस से साबित करें, तो जो चीज सही हदीस में नहीं है तो आप उसको नहीं मानेंगे? सही हदीस में नहीं होगा तो कैसे मानेंगे? अच्छा तो एक काम करें फिर, आप मुझे जो नमाज का तरीका आपके पास है, जो आप नमाज पढ़ते हैं 12 रिकात जोहर में, 8 रिकात असर में, 7 रिकात मगरिब में, तो आपने अभी कहा ना सही हदीस से साबित करो। समझ नहीं रहा है, जो चीज तवातुर है तो तवातुर में ही तो ये चीज है ना, वो तो माना जाएगा ना भाई? भाई तो तवातुर से ही तो ये चीज हमारे पास आई ना, क्योंकि इजमा उम्मत है ना, इजमा उम्मत फिर उम्मत के पास चले गए, उम्मत का इजमा नहीं है भाई। अरे आप उसको उम्मत ना कहिए, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, आपको इल्म नहीं है, पहली बात तो आपको उम्मत मान रहे हैं और मैं नहीं मान रहा हूँ, मुसलमान है उनको उम्मत नहीं मान रहे, मैं नहीं मान रहा हूँ, मेरे नबी ने माना, ठीक है, नबी मेरे नबी ने माना, लेकिन गुस्ताखे रसूल को अल्लाह के रसूल के सहाबा ने सजा भी दी। अब मेरी बात सुने आप, यहाँ पर जो इजमा आप कह रहे हैं ना, उम्मत का इजमा अगर आप कहेंगे तो आप फंसेंगे। आप कहें कि मुहद्दिसों का इजमा है, आलिमों की जमात का इजमा है, ईमान वालों का इजमा है, उम्मत का इजमा मत बोलिए। आपने कहाँ पढ़ा उम्मत में? उम्मत में, उम्मत में मैं तो उलमा को सुनता हूँ। कौन से उलमा ने कहा कि उम्मत का इजमा? कौन से उलमा ने कहा, नाम बताएं जरा उसका, कोई भी उलमा जो भी, नाम बताएं, एक का नाम तो बताएं, आप सुनते हैं ना? ठीक है, अपनी डिटेल से बात करते हैं। अगर किसी आलिम ने, सुनिए, अगर किसी आलिम ने ये कहा है कि उम्मत का इजमा है बुखारी शरीफ पर, उम्मत का इजमा है इस पर, उम्मत का, तो वो आलिम ही नहीं होगा। बताऊं क्यों? इसके लिए क्योंकि आपने आपने पता नहीं कहाँ सुन लिया, हमने तो जितने भी आलिमों की जमात को सुना या जिसकी किताबें पढ़ी है उसमें यही लिखा है कि मुहद्दिसीन का इजमा। आप सिर्फ अपने फिरके के उलमा को सुनते हैं, उसके अलावा दूसरे को नहीं सुनते।
पहले आप मुझे ये बताइए कि हम अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े मुहद्दिस की बात को मानेंगे या आजकल के जो मौलाना मौलवी हैं इनकी बात को मानेंगे? ना ना अपन तो अहले सुन्नत के मुहद्दिस हैं, उन्हीं की मानेंगे। उन्हीं की मानेंगे। अच्छा भी एक बात बताएं आप, जैसे आप क्या काम करते हैं? हमारा तो जैन स्टोन का काम है। जैन स्टोन का काम है। और आज की तारीख में आप किस जमात को फॉलो कर रहे हैं? मैं तो किसी को, मैंने बताया ना आपको, मैं तो सबको मानता हूँ, सबके पीछे नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुसलमान है। अच्छा, सबको मानते हैं और सबके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं? बेशक। ठीक है, तो सबको मानते हैं और सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ये सब में कौन है? इस सब में कौन है? देवबंदी, अहले हदीस। अच्छा, ये मतलब देवबंदी के पीछे भी आप नमाज पढ़ लेते हैं, अहले हदीस के भी पीछे आप नमाज पढ़ लेते हैं? तो ये जो चक्रालवी है उनके पीछे भी आप नमाज पढ़ लेंगे? चक्रालवी कौन? ये शिया के पीछे भी पढ़ लेंगे आप? हाँ पढ़ लूंगा शिया के पीछे। कादियानी के पीछे भी पढ़ लेंगे? नहीं कादियानी की। तो वो 72 की जरा तारीफ करें जो जहन्नम में जाएंगे। देखिए उसका फैसला अल्लाह को करना है। अल्लाह को क्यों करना है? ना 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 ना, बात सुनिए, सुनो बात सुनिए, सुनो पहले आप। आपने ये जो बात बोली है, नहीं सुनिए, आपने जो ये बात बोली है कि वो अल्लाह का फैसला है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पहचान नहीं बताई हदीस में? वो तो सब अपनी मर्जी से ले रहा है ना। कैसे ले रहे हैं हदीस को? चलिए बुखारी की हदीस पढ़िए जरा, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलेगा। ये तो आप तिर्मिजी की हदीस पढ़ रहे हैं, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे नहीं, जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पे अमल करेगा वो होगा। मुझे बताइए आप लोगों जो जितना भी अमल है जो बिदअतों पे कायम है, अच्छा तो वो आपका तरीका थोड़ी है? आप एक बात बताएं कि जो तरीका कार आलिमों का होता है या जाहिलों की काम को आप जो है आलिमों से जोड़ देंगे? मैं तो सहाबा का, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको हदीसों में जो आया है सहाबा का इकराम का तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, निकाह करना क्या है? सुन्नत है। और निकाह में जो ढोल बाजे ताशे और डीजे बजते हैं ये क्या है? डीजे अलग चीज है, बाकी आप मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने आप नहीं, एक गैर मुस्लिम आपके पास आया, उसने ये कहा कि भाई मुसलमान डीजे बजाता है, नाचता है, गाता है शादी ब्याह में, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो आप उसको ये कहोगे कि भाई देखो हमारे आलिम मना करते हैं, आप आलिम के पास जाओगे और फिर आप कहोगे कि जो ये काम करता है वो गुमराही के तौर पे काम करता है, उसको ये बात बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे ना। तो अब जो शादी ब्याह में डीजे चला रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो किसी आलिम ने उसको जायज बोला है? नहीं बोला। नहीं बोला तो शादी बंद नहीं होगी, वो ये खुराफाते बंद होंगी, ठीक है। अब आपने कहा कि जो बिदतें हमने निकाली है, ठीक, आप मुझे एक बिदत साबित करिए जो हमने निकाली है। देखिए जिस पर आप कहते हैं ना अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात, मैंने क्या पूछा, एक बिदत आप साबित करिए नमाज के बाद दुरूद और सलाम फजर की नमाज के बाद, ठीक है। अब उनसे मना किया जाता है कि ये ऐसा काम कभी नहीं हुआ, ठीक है। आप कहते हो कि साहब आप गुमराह हो गए, समझिएगा बात को, गुमराह कह देते हैं आप लोग। किसको कह देते हैं? नियाज फातिहा जो सहाबा इकराम ने कभी नहीं किया, ठीक है, अगर वो नहीं बुलाता है तो आप लोग उसे गुमराह कह देते हो, ठीक है। मर गए मरदूद जिनके फातिहा ना दुरूद, यही होता है ना। ठीक ठीक, दो चीज बताइए आपने, ताल्लुक जो है ना, दो चीज का जवाब, दो चीज का जवाब ले लीजिए, तफसीली जवाब दे दूंगा आपको। आपने पहले कहा दुरूद व सलाम, दुरूद व सलाम, ठीक है, ये आपने कहा। तो आपको मालूम है कि ये दुरूद व सलाम का तरीका किसने ईजाद किया था? किसने किया? हाँ मैं आपको समझाता हूँ। जब खवारिज की मस्जिदें बनी, खवारिज की मस्जिदें बनी और वो खवारिज भी अजान देते थे, और वो खवारिज जब अजान देते थे तो अजान तो हूबहू हमारी तुम्हारी बराबर लगती थी, ठीक है। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के आज तक अपनी निस्बत को अलहदा रखने के लिए हर दौर में कुछ ना कुछ काम ऐसे किए गए कि वो हक को बातिल से अलग कर सके। मिसाल के तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब कुछ जमात ने ज़कात देने से मना किया, तो हजरत अबू बकर ने उनसे जंग की और हजरत अबू बकर से खिलाफत मतलब बैत हुए, तो जो बैत हुए वो हक पर आए
और जो बैत से कट गया उनसे जंग हुई, उस जंग में 10,000 साहबी शहीद हुए। तो हक को बातिल से, देखो वो भी नमाज पढ़ते थे, वो भी रोजे रखते थे, लेकिन जकात का इनकार किया उन्होंने। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ निस्बत की अपनी। तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया जाता था तो जो खुश होता था उसको छोड़ दिया जाता था, और जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम नहीं लेकर के जिसके चेहरे पे शिकन आ जाती थी, जो नाराज हो जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। यही दौर हजरत अली करमुल्लाहुल करीम के ताल्लुक से हुआ, जब ख्वारिज से जंग हुई। जब या अली का नारा लगता था तो सामने वाला जो खुश हो जाता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। ये तो आप बता रहे हैं भाई, मैं कैसे बिना हवाले के बता रहा हूँ, मैं तुमको हवाला दूंगा ना, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैं तुमको है, तो सुनो, मुझे हवाला दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा, आप सुनो। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत में जंग नहीं हुई थी जिन्होंने ज़कात का इनकार किया था? हाँ हुई थी। हाँ हुई थी, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ जो आए थे, जो हजरत अबू बकर से बैत हुए थे, जो उनके हाथ में हाथ रख के बैत किया था, ये मालूम है आपको? बुखारी की हदीस में है, ठीक है, सही बुखारी में। तो जब हजरत अबू बकर की तरफ आए तो हजरत अबू बकर की तरफ निस्बत की उन्होंने, ठीक है। अब ये बताइए, जब जंगे अमामा हुआ था उसकी उसकी हिस्ट्री पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी होगी। ये तारीख है, ये अलविदाया वल निहाया में इब्ने कसीर ने भी इसको लिखा है। जब जंगे अमामा हुई तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु सिपे सलार थे। तो जब वो अल्लाह अकबर का नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे तो सामने वाले भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते थे। हाँ पता है। तो फिर खालिद बिन वलीद ने लगाया या मोहम्मद। चुप हो जा, तो जंगे मामा में नारा लगाया क्या मोहम्मद, या मोहम्मद का नारा लगाया, या मोहम्मद, ठीक है ठीक है। तो अपने आप को अलहदा किया। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इमाम अबू हनीफा से लेकर के इमाम हजर अस्कलानी तक और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह तक, ये जितने फितने आए, जितने फितने आए, तो इन्होंने एक तरीके कार निकाला कि जब कुरान के अंदर ये चीज मौजूद है, हदीस पहले पढ़ दूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से अगर किसी ने कोई ऐसी चीज को ईजाद किया जिससे तुमको भी फायदा हुआ और उस पर अमल करने वाले को भी फायदा हुआ, तो दोनों को सवाब मिलेगा। तो जब ये बातिल फिरके आए, जैसे शिया आया, पहले शिया में एक फिरका आया, एक इसमें ये है कि जिसने मेरी सुन्नत इजाफा नहीं किया, इसमें इजाफा आपने हदीस का मफहूम ही गलत बयान किया। नहीं नहीं, इजाफे में तो फिर आप फंस जाओगे। सुन्नतन हसनतन, क्योंकि ये हदीस मौके पर थी। सुनो सुनो आपको, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने कोई ऐसा काम ईजाद किया, ठीक है, जो मेरी सुन्नत के मुखालफत ना करता हो, तो वो करने वाले को भी सवाब और उस पर अमल करने वाले को भी सवाब, जो मेरी सुन्नत पे मेरी सुन्नत को तर्क ना करता हो, ठीक है, यहाँ समझ गए आप बात को। और जिससे मुराद कयामत तक, ठीक है। सुनिए, जब कुरान में इन अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून अला नबी आया, ये बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हर वक्त मेरे नबी पे दुरूद सलाम पढ़ते हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी पढ़ा करो। इसमें कोई वक्त, कोई दिन, कोई कैद नहीं है। तो जब मस्जिदों में अजान होने लगी तो अपनी मस्जिद को, अपने अहले सुन्नत वल जमात के हक इमामों ने इसको निकाला उनसे अलहदा होने के लिए। अपनी मस्जिद में नमाज के बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पुकारा जाए ताकि इनकी मस्जिदों से हमारा मुशाबहत ना हो। जो सुन्नी हनफी अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े मुहद्दिसों ने निकाला। अब मुझे ये बताइए, क्या दुरूद पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना हुजूर की सुन्नत नहीं थी? तो फिर ये सुन्नत की मुखालफत कहाँ से हो गई? और आप ये कह रहे हैं कि नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद या जहर की नमाज के बाद, इसमें तो कुरान में अल्लाह ताला ने कोई कैद ही नहीं दी। अगर आप इसकी तफसीर को पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आज जुमा है, आज क्या किया जाए? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहा धोकर के सज धज के मस्जिद में आइए, और क्या करें, और मुझ पर दुरूद सलाम पढ़िए। तो या रसूल अल्लाह कितना पढ़ें? तो इतना वक्त निकाल लें, तो आपने बड़ा और बढ़ा दो।
तो फिर बोला सहाबे इकराम ने, या रसूलल्लाह इतना वक्त ठीक है, आधा पहर ठीक है और बढ़ाओ, पूरा पहर ठीक है और बढ़ाओ। तो पता ये लगा कि अल्लाह के रसूल ने कोई कैदी नहीं बांध दी दुरूद सलाम पढ़ने की। थोड़ा पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, दुरूद पढ़ने। अरे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो ना, किसी साहबी ने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जरा साबित कर सकते हो किसी हदीस में साहबा ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। फिर कैसे आप पढ़ते हो? बता दूंगा लेकिन मैं इसको शायद। क्या बता दोगे? हदीस से साबित करके बता। जा हदीस लाओ मुझे पढ़ाओ, जन नंबर बताओ कौन सी हदीस है, किस साहबी ने पढ़ाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैंने मैं तुमको देखिए, जो शेख अलबानी ने हदीस की तशरीह की है ना इस्लाम की सृष्टि में, उस पर मत जाना, मुझे ओरिजिनल स्कैन देना ओरिजिनल किताब से, ठीक है? पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ये दिखा दिया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी ने पढ़ा है, तो मैं भी दुरूद पढ़ना बंद कर दूंगा नमाज के बाद, और ना दिखा सके तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है आपको? नहीं, इस तरह का चैलेंज मैं एक्सेप्ट नहीं करता। जो अब आपने इसको बिदअत कहा, सुनिए सुनिए, नहीं है आपने, हमें तो कुरान सुन्नत से मिल जाएगा, हम कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये जो आपके जो ये जुमले है ना, ये आपके नहीं है, किसी इमाम ने आपको सिखाया जिसका नाम लेने से आप घबरा रहे हैं। मुझे ये बताइए भाई, आज ये अहले हदीस का कहना है कि कुरान और सुन्नत से जो चीज मिल जाएगी हम ले लेंगे, छोड़ देंगे? कभी ये मौके हमारा भी ये मौके। तो तुम कौन सी जमात को फॉलो कर रहे हो आज की तारीख में? अभी तो आप कह रहे हैं मैं सबके पीछे नमाज पढ़ता हूँ। मिर्ज़ा साहब की भी कोई बात सही लगी, कुरान और सुन्नत की मानता हूँ। ये अली मिर्जा के जुमले मुझे मत सुनाइए, अब मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि ये बिदत है, तो दुरूद व सलाम पढ़ना बिदत है आपने ये कहा, और मैंने इसको सुन्नत से साबित किया कि अल्लाह के रसूल ने खुद सहाबा को हुक्म दिया। गैदरिंग करके, नहीं 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 नहीं, सुनिए, नहीं पढ़ते थे इधर, सुनिए, चाहे गैदरिंग करके एक वो बना लिया। अच्छा एक बात बताइए, और फिर वो नहीं नहीं सुनिए, अभी गैदरिंग का भी हुक्म दे रहा हूँ, गैदरिंग का भी हुक्म दे रहा हूँ। आप तो दुरूद पढ़ ही नहीं रहे, क्या पढ़ रहा हूँ? तो ये कह रहा हूँ उनपे लाखों दुरूद, ये क्या हो गया? ये लाखों दुरूद से लाखों दुरूद पहुँच गए क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दुरूद के लिए पढ़ना पड़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, ये पढ़ना पड़ता है। एक मिनट एक मिनट, आप पर लाखों दुरूद, आप पर करोड़ों सलाम, इसका माना क्या है? इसका माना क्या है? क्या है क्या है बताइए? दुरूद तो पढ़ ही नहीं रहे ना, तो क्या पढ़ रही है? मैंने लाखों सलाम, दुरूद दुरूद सलाम, मुझे बताइए, नहीं नहीं नहीं, दुरूद पहुंच जाता है? अरे सुनिए ना, सलाम नहीं बोल रहे हम, सलाम का माना क्या होता है? सलाम तो छोड़िए, आप दुरूद की बात करिए। सलाम का तो दुरूद तो कुरान में आया ना, इन अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। दुरूद पढ़ना है तो दुरूद को तो सिखाया ना, हां तो ये हां, तो ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां सिखाया? जिसमें ना साहबा को पढ़िए, जरा पढ़िए, कौन सी हदीस है, कौन सी हदीस पढ़िए भाई? जब आपने हदीस पढ़िए भाई, नहीं 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 नहीं, हमें सलाम तो सिखा दिया, सलाम दुरूद, दुरूद इब्राहिम बताया। हाँ दुरूद इब्राहिम बताया, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ बताया? इसकी भी बता देंगे, कोई बात नहीं। बताइए हदीस, बताइए हदीस, बताइए। हाँ जी अभी नहीं बता सकता ना आपको, तो फिर आप बरेलवियों पे इल्जाम क्यों डालते हैं कि बरेलवी कोई हवाला नहीं दे सकते, भाग जाते हैं? आप ही हवाला नहीं दे रहे मुझे, तो आप ही भाग रहे हैं। मेन तो अकाइद के ऊपर है हमारा, ये अभी ये जुमले आपने स्टार्ट किए, अकाइद पर आते हैं, अपना किया हुआ इजाद, अकाइद पर आते हैं। आपका अभी तो आपका सहाबा के राम के तरीके से नहीं था वो जो आपने कहा, आपने कहा कि गैदरिंग, गैदरिंग कहा ना आपने अभी, तो अल्लाह जो ये हुक्म दे रहा है, ऐ ईमान वालो, देखो ऐ ईमान वाले, सुनो मेरी बात, ये बता दीजिए इस तरह से सहाबा पढ़ते थे गैदरिंग करके? बिल्कुल, आप साबित करो, चलिए मैं साबित करता हूँ, मैं साबित करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा कौन? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने कहा, एक सहाबी ने, और हजरत अली भी मौजूद थे, कहा कि हम बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं। कितनी हदीसों को? बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं, क्योंकि हमारी, हमें हुजूर की वो बात याद है कि आपने फरमाया कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूख किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे। ठीक है ना, ठीक है, चले। तो बहुत सी हदीसों को सहाबा ने छुपा लिया। अच्छा, तो जब सारी हदीसें आप तक नहीं पहुंची, तो आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि नहीं पढ़ा? पहली चीज। जितनी दूसरी चीज, आप सुनो, अभी सुनो ना, अभी रुको, ये सुनने निसाई की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गए हुए थे, तो कुछ सहाबा इकराम बैठ करके अलका बना करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल का
जिक्र कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि मेरे सहाबा तुम क्या कर रहे हो। कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जिसने हमारी तरफ हमारे पास ऐसा महबूब नबी भेजा, हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं और आपका जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह का शुक्र अदा करने पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम इसी नियत से बैठे हो। कहा इसी नियत से बैठे, तो गवाह हो जाओ अल्लाह ने सबकी मगफिरत कर दी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, ये अलका बना करके हुजूर का जो जिक्र कर रहे थे साहबी, ये क्या कर रहे थे? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा था। तो रसूल का क्या जिक्र कर रहे थे बताइए जरा, क्या बोल रहे थे? ये था कि अल्लाह ने हमारा ऐसा नबी भेजा। हाँ, क्या भेजा? ताला अल बदरू अलैना, ताला अल बदरू अलैना। ये साहबा ने कब पढ़ा था? बाद में बात करें क्योंकि नहीं 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 सुने 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 ताला अल बदरू अलैना, ये साहबा की जमात ने कब पढ़ा था? जब हुजूर मदीने तशरीफ ले गए थे। अलका बना के पढ़ा था, अकेले अकेले पढ़ा था। हेलो, कहाँ से कहाँ ले जाते हो? तो मैं अपनी, आपने मुझसे जमात पूछी कि पढ़ने की जमात बताइए। ताला अल बदरू अलैना, वो उस वक्त ताला अल बदरू था उनके पास माजल्ला, मतलब वो जाहिल की हालत में उन्होंने पढ़ा और हुजूर ने पढ़ने की इजाजत दी। भाई सिर्फ ईमान की अलामत चेकी थी उन्होंने। अरे मेरे भाई सुनो, जब हुजूर मदीने तशरीफ ले गए, सुनो सुनो, लेकिन इन तो आपने सिखाया है ना बाद में। अच्छा तो आप बताइए, हजरत उमर, मेरा मौके भी है कि आप हुजूर के जाने के दुनिया के बाद जब बताइए कि ये बताइए, इस तरह से दुरूद सलाम, ये बताइए कि जब हुजूर के सामने कोई भी सहाबी सलाम लाता था, कोई गलत काम करता था, हुजूर फौरन रोकते थे कि नहीं रोकते थे? अरे मेरे भाई, मतलब ये ताला अल बदरू अलैना जो पढ़ा था साहबा ने, ये जहालत में पढ़ा था, ये आपका कहना है? फिर वही जहालत में मैंने, अच्छा दूसरी जो मैंने हदीस दी आपको निसाई शरीफ की, हुजूर का जिक्र कर रहे थे, हुजूर का जिक्र कर रहे थे, फिर चलिए मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ते रहे वो ये बदरू अलैना। अच्छा एक बात बताए, हुजूर ने एक बार हज किया, आप 50 बार क्यों करते हैं? हुजूर ने तो एक बार किया था। अरे तो यार कहाँ से कहाँ ले जाते हो? अरे तो तुम जाहिल बातें कर रहे हो ना भाई मेरे, जब जो काम साहबा ने एक बार कर दिया, सुनिए, लेकिन जब तक जो आप काम मुझे ये चीजें साबित नहीं करोगे ना, जब तक आपके लिए सब सबूत है, मेरी बात सुने, मैं आपको साबित करने नहीं बैठा हूँ, मैं आवाम को साबित करने बैठा हूँ कि ऐसे ऐसे जाहिल लोगों से ईमान को बचाइए। हाँ तो मुझे ये बताइए कि जो हुजूर का जिक्र कर रहे थे अलका बना करके साहबा, साहबा की जमात, आपने मुझे झुंड में, मतलब एक साथ इकट्ठा होकर अल्लाह के रसूल का जो हम जिक्र करते हैं मस्जिद के अंदर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो तो हम भी करते हैं, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, जो हम करते हैं, तो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं ना, तो साहबा भी जिक्र करते थे, तो इसमें क्या जिक्र करते थे? जिक्र के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं, क्या जिक्र करते थे वो अलका बना करके? थोड़ी कि आप अपने तरीके से या नबी सलाम अलैका, नहीं तो आपके तरीके से थोड़ी बने, ये कौन सा तरीका है? तो आपके तरीके से थोड़ी करेंगे हम, साहबा ने कौन सा तरीका अपनाया? साहबा का तरीके से करो ना, तो साहबा ने कभी ऐसे मस्जिद में खड़े होके इस तरह से दुरूद सलाम पढ़ाओ तो बता दीजिए मुझे। पढ़ा ना ये अलका बना के, क्या कर रहे थे साहबा? अरे मेरे भाई वो तो हम भी करते हैं रोज, क्या करते हो? क्या अल्लाह के रसूल की तरह वो नहीं होती क्या? ना 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 मेरी बात सुनो, बयान की बयान अलग हो गया, जिक्र, जिक्र का मतलब जानते हो क्या होता है? तो जिक्र ही होता है ना, क्या जिक्र होता है? हम क्या जिक्र करते हैं? बयान अगर मौलवी कर रहा है वो जिक्र, सुनो ही जिक्र ना, क्या होता है? सुनिए सुनिए, जिक्र क्या होता है? जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, किस सुहानी घड़ी मेरे नबी का चांद जो चमका दुनिया में, कौन सी घड़ी थी वो? उस दिन की सलामती देते हैं, उसके बाद, उसके बाद आगे क्या पढ़ते हैं? दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, ये जिक्र हो रहा है अल्लाह के रसूल का, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, ये उनकी मौजज़ा है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़े वहाँ वो सुने, और काश महशर में जब उनकी आमद हो और वो हमें हुक्म दे अल्लाह के रसूल की, पढ़ो जो तुम दुनिया में पढ़ते थे, काश महशर में उनकी आमद हो और मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें पढ़ रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो अब मुझे ये बताओ ये जिक्र नहीं हो रहा है अल्लाह के रसूल का तो क्या हो रहा है? इसके लिए तो मना ही नहीं कर रहा है। तो अभी तो आप बकवास कर रहे हैं कि इकट्ठा होकर पढ़ रहे हैं, फलाना पढ़ रहे हैं, ढमकाना पढ़ रहे हैं, बिदत कह रहे हैं उसको। अल्लाह तो खुद कह रहा है कि तमाम फरिश्ते, सुनिए, अल्लाह के तमाम फरिश्ते और तमाम फरिश्ते में सब आ गए,
और हुजूर की बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, और जो एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता। अब जोड़ लो कितने फरिश्ते हो गए। वो सारे फरिश्ते हर वक्त, हर वक्त का मतलब ये कोई वक्त ऐसा नहीं है जो दुरूद सलाम नहीं पढ़ रहे हो। आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि अल्लाह हर वक्त पढ़ रहा है और आप कह रहे हैं फजर में मत पढ़ो, जोहर में मत पढ़ो, इकट्ठा होके मत पढ़ो। अल्लाह तो खुद इकट्ठा होके पढ़ रहा है भाई। देखिए अब ये सुन्नत के खिलाफ आप साबित करेंगे, ये तो अल्लाह की भी सुन्नत हो गई जनाब। अब आप साबित करेंगे कि सुन्नत के खिलाफ काम हुआ और ये बिदअत हुआ। और जिन उलमाओं ने इस चीज का इस्तेलाल लिया है ना कि अल्लाह हर वक्त, तो ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह हर वक्त अपनी रहमत का साया रखता है। आप कौन से उलमा ने लिया, कहा, कौन सी तफसीर पढ़े, कौन सी तफसीर पढ़ रहे हैं? बता दूंगा मैं आपको, बताइए। नहीं हवाला देंगे आप, इल्जाम डालते हैं बरेलवियों पे कि वो हवाला नहीं देते, फोन काट के भाग जाते हैं। हवाला देंगे आप और अभी देंगे, कौन सी तफसीर में इस आयत की, कौन सी तफसीर में किस मुहद्दिस ने ये लिया है कि अल्लाह का ये पढ़ने का माना ये है कि सिर्फ रहमत है? कहाँ लिखा है ये? ठीक है बता दूंगा। कहाँ लिखा है? बता नहीं दूंगे, बताओ। अरे अभी मैं कैसे बताऊँ, मैं तो कैसे बताऊँ भाई? नहीं नहीं नहीं, मैं रास्ते में हूँ। तो फिर आप बरेलवियों पे इल्जाम कैसे डालते हैं कि बरेलवी हवाला नहीं देते? वो भी रास्ते में हो सकते हैं, वो भी दलदल हो सकते हैं। आप मुझे तो ये सिर्फ ये हवाला चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मेरे और मेरे सहाबा का तरीका अपनाएगा, जो मेरे और मेरे सहाबा की सुन्नत पे अमल करेगा। सहाबा से कोई साबित नहीं कर पा रहे। अभी तो किया मैंने, सुनन निसाई की हदीस नहीं दी तुमको कि अलका बना के हुजूर का जिक्र कर रहे थे? ये तो हर कोई करता है, ये तो अहले हदीस भी करते हैं। जिक्र नहीं करते, जिक्र नहीं करते, हदीस पढ़ते हैं। जिक्र क्या होता है? हदीस पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। नहीं जिक्र नहीं करते, हदीस पढ़ के। ना 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 ना, जिक्र नहीं करते अल्लाह और उसके रसूल का। अच्छा आपको मैं बताता हूँ, अहले हदीस का फतवा है कि या रसूल अल्लाह अगर आपने मस्जिद में भी बोला तो मस्जिद खराब हो जाती है। फतवा दूँ आपको? ये तो मैं मानता हूँ। ये तो या रसूल अल्लाह, जब आप मस्जिद में बोलना पसंद नहीं कर रहे हो तो गलत नहीं है, तो उसके पीछे तो आप नमाज पढ़ रहे हो भाई। जो ये कहे कि या रसूल अल्लाह का नारा मस्जिद में लगा तो मस्जिद खराब हो जाएगी, तो या रसूल अल्लाह उस हिसाब से नहीं कहना चाहिए। किस हिसाब से? किस हिसाब से आप उनको मदद के लिए पुकारे? मतलब जाने अब आप मदद पर आ गए और आप हाजिर व नाजिर पर आ गए। तो या रसूल अल्लाह किस लिए पुकारा जाता है? मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 64 पे कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और मेरा नबी अगर तुम्हारे हक में शफाअत कर दे तो तुम अल्लाह को बेहतर बख्शने वाला पाओगे। हाँ। तो अब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो नबी की बारगाह में कैसे हाजिर होगे, जरा बताओ मुझे। तो अब ये बताइए इससे क्या मुराद लिया आपने? आपने क्या मुराद ली, मैं तो आपसे पूछूंगा। मैंने जो ली मेरा छोड़ो ना, मतलब मेरे कहने पे थोड़ी चलोगे। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो अगर इंसान अपनी जानों पे जुल्म कर बैठता है यानी कुछ गलती कर बैठता है तो उसको जाना चाहिए मगर रसूलुल्लाह की बारगाह में? रसूल अल्लाह कह रहा भाई, अभी भी जाना चाहिए ना? आप बिल्कुल जाना चाहिए। तो ये क्या आयत मनसूख हो गई? अच्छा, ये आयत मनसूख हो गई क्या? जो निजा है वो गुस्ताख हो गया? मेरी बात सुनिए, ये आयत मनसूख हो गई क्या? आप जो निजा है वो गुस्ताख हो गया ना? जो इनकार करेगा वो गुस्ताख हो गया। हाँ, यानी कि जो अपनी गलती कर रहा है और फिर वो जा नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपनी, यहाँ पे फरमाया ए लोगो, जब समझिए आपकी बात, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, वही मुझे पता है। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि जो निजाय वो गुस्ताख हुआ ना, जो इनकार करे कि नहीं जाना चाहिए, ये जाना शिर्क है, मतलब क्या हुआ, ये शिर्क है, ये हराम है, वो गुनाहगार होगा। समझ नहीं रहे, जो नहीं जाए वो गुनाहगार हुआ ना कि नहीं हुआ? मेरी बात सुने, उसको नहीं मालूम है इस आयत के बारे में? ना ना ना, मालूम भी है और रोजा भी पास में है। हाँ ठीक है, है ना? तो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रहा है, मुखालफत कर रहा है ना वो? हाँ, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रहा है ना वो? हाँ। तो अब मुझे बताइए, बागे फदक हुआ, जानते हो ना बागे फदक? बागे फदक तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे। खैर, तो अम्मा आयशा की और बीवी फातिमा की नज़र में अबू बकर सिद्दीक, मतलब उनकी नज़र में तो गलती पड़ता है क्योंकि वो उनसे नाराज थी। कहाँ गलती पे थे, कहाँ बोला उन्होंने कि मैं हजरत अबू बकर से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नाराज? सुनिए, अबू बकर सिद्दीक और हजरत अम्मी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता क्या था, जरा बताएंगे? वो छोड़िए, अभी मैं भाभी जी से बात कर रहा हूं। भाई भाई, ओ भाई सुनिए, अम्मा आयशा की देख लो। ओ भाई, आयशा ने, ओ भाई, ओ भाई, जंगे जमल पे निकली। ओ भाई, सुनो, 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 पहले सुन लो, सुनो ना भाई, जंगे जमल पे निकली
अब तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके चले, जंगे जमल, जंगे जमल जो हुआ, सुनो सुनो, जंगे भी याद आई कि सुनो सुनो, मेरी उस बीवी के क्या हालत होगी जब उस सहौब के कुत्ते भोंकेंगे, उनको गलती का एहसास हुआ। कहाँ लिखा है, क्या कहाँ लिखा है ये? अरे सहौब की हदीस है, सहौब में कौन सी हदीस है, कौन सी हदीस है? अरे वाह, मैं आपको भेज दूंगा, भेजो नहीं, पढ़ के बताओ कौन सी हदीस में ये लिखा है कि जब तुम पे कुत्ते भोंके तो तुम समझ लेना तुम गलती पे हो, ये कौन सी हदीस है, जरा हदीस बताओ। मेरी बीवी की हालत क्या होगी जब उसको हदीस पढ़ो बिल्कुल, मैं आपको कौन सी हदीस, कौन सी हदीस दूंगा, नहीं दूंगा नहीं, अभी बताओ। अरे अभी फिर वही, मैं कोई बाजार में हूँ, आपके यहाँ बैठा थोड़ी है, तो ये जाहिलाना बातें अभी ना करो, जब हदीस दोगे तब बात करना। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा आयत का कॉन्टेक्स्ट है, मेरी बात सुनिए, बताइए कौन से सहाबा या कौन अपनी गलती, या हजरत मुआविया हजरत अली की जंग हुई, कौन से सहाबा है, कौन से सहाबा अपनी जान पे जुल्म करके वहाँ चलेगा रसूल अल्लाह के बारे में? बस अब आप खामोश हो जाओ, मेरी बात को सुनिए, आप उनको गुनहगार साबित करो, अब खामोश हो जाइए, अब मेरी बात को सुनिए। आपने तीन सवाल किए, पहला सवाल ये किया कि अम्मी आयशा और हजरत अली करमुल्ला तुजिल करीम के बीच में जो जंगे चमल हुई, तो अम्मी आयशा और हजरत अली करमुल्ला तो बीच का जो दोनों का जो रिश्ता था वो माँ बेटे का था, तो माँ और बेटे में अगर कोई ना इत्तेफाकी होती है तो बीच में तीसरे के बोलने का हुक्म नहीं है, पहली चीज। लेकिन गलती दूसरी, खामोश हो जाओ, तुम्हें कैसे पता वो गलती है, खामोश हो जाओ। तीसरी चीज, हजरत अली करमुल्ला तो वजुल करीम के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने पहले ही पेशनगोई कर दी थी कि मेरा बेटा हसन दो मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा जब बहुत खून रेजी हो जाएगी। तो इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया हजरत अली की सुलह कराई थी कि नहीं कराई थी? हजरत अली के काफिले की और हजरत अमीर माविया के काफिले की सुलह कराई थी कि नहीं कराई थी? कौन सी सुलह भाई, मेरे भाई जंग हुई है ना, रेजी हुई है ना, खून रेजी के बाद हुई हजरत अली के बाद। अल्लाह के, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मेरा बेटा हसन दो मुसलमानों के गिरोह में सुलह कराएगा? हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको तो उनको काफिर कह रहा हूँ, नाउज़ुबिल्ला, किसको काफिर कह रहे हो? आप बात को उधर पलटो मत, नहीं पलटो क्योंकि नहीं, ये तो हुजूर ने बता दिया ना, नहीं गए हुजूर ने बता, तो आयत के तहत गए ना, बता रहा हूँ ना तुम्हें, ये कोई गुनाह कबीरा नहीं था, तुम तो जाहिल हो, तुम्हें क्या बोलूं मैं, ये गुनाह कबीरा नहीं था, ये खताए इज्तिहादी थी। और यहाँ कुरान की जो आयत है कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो यानी गुनाहे कबीरा करो, ये खताए इज्तिहादी थी जो अम्मी आयशा और हजरत अली के बीच में हुई, ये खताए इज्तिहादी थी जो हजरत अमीर माविया और हजरत अली के बीच में, आपको यही नहीं मालूम है, आप बहस करने आ गए यार, और कहते हो बरेलवियों को इल्म नहीं है। अच्छा इज्तिहादी खता किसे कहते हैं? खताए इज्तिहादी की जाके कुरान में तो आयत है, सुनो मेरी बात, कोई खलीफा की बैत, पहले बात खलीफा राशिद की बैत करे न तोड़ दे, कहा लिखा है, कौन सी कुरान की आयत कतल कर दो, कौन सी आयत है ये बता। अरे तो मेरे भाई मैं कोई, कौन सी आयत पढ़ी तुमने, तो झूठ क्यों बोलते हो कुरान पे यार, झूठ कौन सी आयत, कुरान की आयत, कौन सी आयत, आयत पढ़ो, आयत पढ़ो, ठीक है बता दूंगा, बता दो, तुम तो सभी बता दोगे और तुम चैलेंज करते फिरते हो, तुम सब बताते रहो, मैं तुमको दलील पे दलील देता रहूं फिर भी तुम कहते हो मुझे दिखाओ, मैं नाम भी बता रहा हूं किताब का, तो सफा भी बता रहा हूं का, सर कहां का पेड़ जोड़ते हो ना, ये तो आवाम, जब सुनिए ये रिकॉर्डिंग जब यूट्यूब पे डलेगी ना, जब आवाम इसको सुनेगी तो आवाम फैसला कर लेगी कौन कहां का ये बंदा चैलेंज करने वाला, यूट्यूब पे फेसबुक पर बैठ के मैं डालूंगा, काटूंगा नहीं कहीं से, बैठ के जब कहीं से नहीं, फिर बता, फिर तो आप चैलेंज क्यों करते फिरते हैं कि भाई मेरे से कोई बात नहीं कर सकता, तो भाई बात नहीं करता, आपने एकदम फोन उठाया, आपने मेरे से कहा कि अच्छा, तो टाइम बता दो आप मुझे, आप टाइम बता दो, मैं बाजार में हूँ। सुनिए सुनिए, आप पहली चीज मुझे वो कुरान की आयत देंगे जिसमें ये लिखा है जिसने खलीफा की बैत को तोड़ दिया, ठीक है उसको कत्ल कर दो, पहली चीज वो आयत देंगे आप, दूसरी वो हदीस देंगे जिसपे कुत्ते भौंकते हैं माज़ अल्लाह, ठीक है दूंगा, और सही हदीस से देंगे, सही हदीस है, हम तो ज़ईफ़ मानते ही नहीं है, हाँ ठीक है, अभी ज़ईफ़ कैसे मानोगे वो भी मनवाऊंगा मैं, तीसरी तो मानेंगे नहीं इंशाल्लाह, तीसरी ज़ईफ़ तो तुम मानते हो, बिना माने तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, अभी मैं पढ़ने लगूंगा हदीसें तो तुम भागोगे, ज़ईफ़ पे तो है ही नहीं हमारा ईमान। अच्छा नियत कहाँ बांधते हो, क्या नमाज में नियत कहाँ बांधते हो, नमाज में नियत क्या मतलब, नमाज पढ़ते हो, नियत कहाँ बांधते हो, कहाँ जा रहे हो, अभी मैं ज़ईफ़ की बता रहा हूँ ना कि तुम ज़ईफ़ लोग घुमा के इधर उधर चल रहे हो, अभी तुमने एक चैलेंज किया, मैं ज़ईफ़ हदीस को नहीं मानता, मैं तुम्हारा चैलेंज तोड़ रहा हूँ ना, एक तो बस हो गई काम, निकल गई है कड़ी, अपनी जाओ मत क्या करो मेरे सामने, तो जब तुम जाओ तो उसके तो आप सहाबा इकराम जाया करते थे। अब सुनो ये सुनने निसाई शरीफ की हदीस,
सहाबा इकराम जब अपनी दौरे हयात हुजूर की हयात में जानों पे जुल्म करते थे तो कहाँ जाते थे? नबी की बारगाह में। नबी की बारगाह में। हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के बाद एक सहाबी का नाम ऐसा बता दो जिन्होंने गुनाहे कबीरा किया हो। मतलब उसके बाद कौन है कबीरा? कुछ हो नहीं सकता इंसान। नहीं आप बताए ना मुझे, आप दलील देंगे ना? नबी के बाद नहीं हो सकता, आप दलील देंगे ना? ये आप चैलेंज कर रहे हैं ना कि सहाबा कहाँ गए हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस सहाबा ने गुनाहे कबीरा किया? ताबाइन, ताबाइन से हुए कि नहीं हुए? ताबाइन से हुआ कि नहीं हुआ? आप बताएं किस ताबाइन से गुनाहे कबीरा हुआ? नाम बताएं, नाम बताएं ना। बात ये कि वो जो जाते नहीं थे, अरे भाई करना कि जाते थे, सुनिए मेरी बात, गलती हो गई। सुनिए मेरी बात, सुनिए कि इमाम बुखारी अदब अल मुफरद, इमाम बुखारी अदब अल मुफरद में लिखते हैं कि जब मैंने हदीसों को लिखना शुरू किया तो मैं दो रिकात नमाज पढ़ता था, वजू करता था, दो रिकात नमाज पढ़ता था, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के पास बैठ के हदीसें लिखता था। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ताबई मांगे, तो ताबई आपको बता के जाएंगे गुनाहे कबीरा बताने वाली चीज है, या वो लिख करके जाएंगे किताबों में कि मैंने गुनाहे कबीरा ये गुनाह कबीरा किया था फिर मैं हुजूर की बारगाह में निस्बत हुआ, ये आपको बता के जाएंगे वो? पहली चीज। दूसरी चीज ये, यहाँ पे अल्लाह ने जमात का हुक्म नहीं दिया कि तुम जितनी जमाते हो, अल्लाह ने कहा ऐ लोगो, लोगों से मतलब 1%, ऐ लोगो 1% करके सुनो कि जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो, यहाँ पे कहा है तुम, अगर जब तुम्हारी जानों पे जुल्म हो जाए मतलब तुम लोग जुल्म करो तो मेरे नबी की बारगाह में, यहाँ कहा है तुम, जब तुम आयत को समझते नहीं हो बात करते हो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म करो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो, तो ये आपको साबित करना, सुनिए दौरे हयात जिंदगी में तो मैं साबित कर दूंगा कि कितने सहाबी हुजूर की बारगाह में गए, कितने गुनाह कभी ना किया। हाँ, तो हुजूर की बारगाह में गए ना, इस आयत पे अमल किया, और आपको ये साबित करना है कि हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के बाद सहाबा ने गुनाह कबीरा किया और वो हुजूर की बारगाह में नहीं गए। ये कौन सी बात हो गई यार? तो इल्जाम आप लगा रहे हैं ना, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, शैतान को ये कहा है कुरान के अंदर सूरह बकरा आयत में कि शैतान ने कहा कि मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने वहां वादा लिया है कि तू मेरे कामिल बंदों को बहका नहीं पाएगा। ठीक है, और कामिल बंदे बहक नहीं सकते, तुम गुनाह कबीरा की बात कर रहे हो। तो गुनाह कबीरा जब किया, जैसे मिसाल के तौर पे किसी सहाबी ने पढ़ा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, के या रसूल आप मेरे कौन से ऐसे हाल है जिससे आप वाकिफ नहीं है, इसका तर्जुमा है, और कौन से ऐसे क्या कहते हैं हालात है मेरे ऊपर जो आप जिससे वाकिफ नहीं है, और कौन से ऐसे हालात आने वाले हैं जिससे आप वाकिफ नहीं है, ये तो साहबा ने पढ़ा है। अब मुझे आप दलील देंगे वो कुत्ते वाली, और किस सहाबी ने गुनाह कबीरा किया और वहां नहीं पहुंचे? और सुनिए, पहुंचने से मुराद कबीरा गिरा। हाँ, तो आप देंगे ना, आपने कहा आप क्यों नहीं पहुंचे साहब, गलती तो ये इस्तिहादी थी। सुनिए इसके तारीख से जमल वाली। हाँ मैं बताता हूँ इसके ताल्लुक से, आप चाहे गौसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब फुतुहुल गैब पढ़ लें, चाहे आप इमाम तबरानी की दमिश क्या कहते हैं तारीख दमिश पढ़ लें, तारीख दमिश में भी है, तारीख तबरी में भी है, और अलविदाया वल निहाय में भी इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अशरफुल अशाक गालिबन उसमें भी इसका जिक्र किया है कि जब जंगे जमल और जंगे सिफीन की बात आए तो अपने लब को खामोश रखो, कफ्फे लिसान, क्योंकि ये खताए इत्तेहादी पे जंग थी, और खताए इत्तेहादी बात उस चीज पे है ही नहीं। मेरा तुमने गुनाह कबीरा की बात की, बारगाह में जाना चाहिए था। हाँ तो गुनाह कबीरा थोड़ी किया जो जाएंगे, आप लोगों के अकीदे है ना, गुनाह कबीरा नहीं किया ना भाई, ये मेरे अकीदे थोड़ी है, उनसे बात की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल माना मान, और हुजूर ने मांगा है, खुद हुजूर की सुन्नत है वसीला मांगना। हुजूर वसीला आप तो पुकारते हो मदद के लिए, हुजूर ने भी पुकारा है मदद के लिए। बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी का कोई ना कोई मददगार था और मेरा मददगार जिब्राइल है। मेरा मददगार जिब्राइल है, हदीस दे दूंगा बुखारी की। पुकारा कभी जिब्राइल मेरी मदद कर? आपके कंधे पे कितने फरिश्ते हैं?
आपके कंधे पे कितने फरिश्ते हैं? बात पुकारने की है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सूरह तहरीम आयत नंबर 4 में बताओ मुझे, सूरह तहरीम आयत नंबर 4 बताइए आप। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे मददगार है अल्लाह, जिब्राइल, नेक मोमिन सालिहीन बंदे और तमाम फरिश्ते तुम्हारी मदद पर है। ठीक है, अब हमारा अकीदा ये है कि देने वाली जात अल्लाह की है। अजी वो मुझे पता है, पहले बात सुनिए ना भाई, आगे मुझे पता है, बात देने वाली जात ये बहुत पुराने हो चुके हैं। अरे बात सुनिए ना भाई, ये है कि मदद में पुकारा क्या या पुकारा, हाँ, हाँ, या पुकारा, पुकारा, जिब्राइल पुकारा, मेरी मदद करिए, पुकारा अल मदद या जिब्राइल। आप सुनिए अदब अल मुहब्बत की हदीस, बात इसी पे करनी है, यही तो है मेन जड़। चले ठीक है बेटा, देना काम अल मदद या जिब्राइल, अल मदद या अली। हाँ मैं पुकार रहा हूँ ना, सुनिए, या अली अल मदद, तो मैंने खुदा समझ के पुकारा या खुदा का बंदा समझ के पुकारा? अजी वो कुछ भी समझ के, बात ये कि पुकारना ही गलत तो है। अल्लाह ताला ने क्या बोला यहाँ पे, तुम्हारे मददगार है जिब्राइल? मददगार आप मैं भी और मेरे भी हो, नेक सवालीन बंदे भी हैं, सब एक दूसरे की मदद करो। तो फिर क्यों मदद कर रहे अल्लाह ताला? एक मिनट, आपस में नेकी और परहेजगारी के काम, एक मिनट, एक दूसरे की मदद करो। अभी किसके यहाँ काम कर रहे हो आप? किसी के भी नहीं। नहीं काम करते हो तो वो मालिक मुसलमान है, काफिर है? नहीं मैं किसी के भी काम नहीं करता। अच्छा काफिरों से मदद लेते हो दुनिया में? हाँ लेते हैं। अल्लाह तो सूरह मुमतहिना आयत नंबर 13 में कहता है कि काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। अजी वो काफिर अलग हैं। कौन से काफिर, काफिर अलग है? अच्छा इसमें इसमें क्या फर्क है? आप लोगों को यही समझ नहीं है। क्यों अच्छा, आप एक काफिर से मदद? एक मिनट, चलिए ठीक है, एक आप भी लेते हो क्या? हाँ तो जो हम काम करते हैं वो करो ना, हम तो अल्लाह के बंदों से भी लेते हैं मदद। तुम मेरे भाई वही तो जिंदा एक मिनट तुम मुर्दा साबित करो पहले। चलो क्या मुर्दा साबित करो, अल्लाह के रसूल को, सहाबा को, ताबई को, तबे ताबई को, अल्लाह के वलियों को मुर्दा साबित करो। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब सहाबा हर मसला बुखारी की 1010 हदीस है, जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे, ये अल्फाज तुमने उसमें दिखा दिए। सुनो हदीस पे सुनो, अल्लाह की लानत हो तुम पर अगर हदीस में ये लफ्ज तुमने दिखा दिया कि जब तक तेरा नबी हमारे बीच मौजूद था, अगर ये अल्फाज तुमने दिखा दिया, सुनो अगर ये हदीस में तुमने जुमला दिखा दिया कि जब तक तुम्हारा नबी, तेरा नबी हमारे बीच मौजूद था, हम उसका वसीला लेते थे, आज तेरा नबी पहल नबी के वसीले से दुआ करते थे। आप सुनिए, अब हम इसकी शरह पड़ी है, इसकी शरह पड़ी है, क्या मतलब क्या हुआ, इसकी शरह पड़ी है, शरह पड़ी है। अरे मैंने शरा इस हदीस की शरा पढ़ी है, तो शरा में तो घुमा दो कुछ भी। अच्छा मतलब हदीस को शरा से नहीं समझोगे? शरा तो सब अपनी मर्जी से शरा करते हैं ना, कई लोग शरा कर देते हैं। तो ये बताएं बुखारी की मुझे बताइए, रोजा मुबारक पास में था ना? मैं बता रहा हूँ सुनिए, आपको पता नहीं है, वो भी मैं आपको साबित करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अगर आप बुखारी को शरा से नहीं समझेंगे तो बुखारी की ये जो हदीस है कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी गोया वो काफिर हो गया, आप तो सबको काफिर बोलने लगेंगे। अरे मैंने ये थोड़ी कहीं शरह से नहीं समझ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी डायरेक्ट समझ रहे हो, अब सुनिए, वो ये तो समझ ही रहे ना। हदीस पहले मेरा मकसद ये है कि रोजा मुबारक पे क्यों नहीं गए? अभी 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 तीनों चीज साबित करता हूँ। पहली हदीस बुखारी नंबर, हदीस नंबर 1010, रुक जाओ खोल लूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने सहाबा से कहा, उनके जमाने में कहत तारी हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में कहत ताली हुआ, तो आपने सहाबा से कहा कि ए अल्लाह पहले हम तेरे नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लेते थे, आज हम हजरत अब्बास का वसीला लेते हैं, बारिश कर और हमारी मदद फरमा। ठीक है बात खत्म हो गई। चले अब ये बताएं कि अब इसकी शरह सुने, फतहुल बारी शरह बुखारी इमाम हजर असकलानी। आप कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो को हजरत अब्बास का वसीला लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हुजूर हजरत अब्बास को अपने वालिद के दर्जे पे रखते थे और उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। तो सहाबा इकराम से उनकी सुन्नत पे, हुजूर की सुन्नत पे अमल करने के लिए कहा। अगर हजरत अबू उमर चाहते तो अपना वसीला भी ले सकते थे क्योंकि वो अशरा मुबशरा में से थे और अशरा मुबशरा में से उस्मान गनी भी मौजूद थे और अहले बैत भी मौजूद थी, लेकिन हजरत अब्बास तो अशरा मुबशरा में से नहीं थे, लेकिन उनको हुजूर की सुन्नत पे अमल करना था, इसलिए हजरत अब्बास की बारगाह में गए और कहा कि आप
अल्लाह से दुआ कर दें। तो अब हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ने दुआ क्या की वो सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने दुआ ये की कि ए अल्लाह ये मुझे तेरी बारगाह में वसीला बना के लाए कह तारी होने पर, और मैं तेरी बारगाह में नबी अलैहिस्सलातु वसल्लम का वसीला पेश करता हूँ, बारिश कर और मेरी लाज रख। अरे वो बारिश हुई मेरी बात वसीले इस वसीले से है ही नहीं। तो तुमने तो हदीस पेश की है, मैं रोजे मुबारक पे क्यों नहीं गए? तुमने ये हदीस पेश की तो गुनाह कबीरा थोड़ी किया उन्होंने। दीन का जो ये जाहिल आदमी के बुजुर्ग ने दीन के रोजे पे मुबारक पे इससे जाओ अब सुनो मांगो अब सुनो जब मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा नहीं जा रहे हैं अभी रुको ना अरे अभी एक ही हदीस थोड़ी बौखलाने लगे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा दिला दिया मेरे भाई सुनो सुनो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स आए कहाँ आए कब्र मुबारक पे और कहा हजरत हुजूर बारिश नहीं हो रही है कह साली हो गया उम्मत हलाक हो रही है। अगर किसी माई के लाल ने इस हदीस को ज़ईफ हदीस कर दिया सुनो 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 अगर किसी माई के लाल ने इस हदीस को ज़ईफ साबित कर दिया इसके अंदर जितने रावी हैं इस हदीस में जितने रावी हैं पहले बात सुनो पढ़ा है मेरे पास पहले बात सुनो पूछा था पहले बात सुनो ने इसको सही कहा है पहले बात सुनो लेकिन पहले बात सुनो लेकिन पहले बात सुनो सुन लो पहले सुनने का मादा रखा करो हर किसी चीज को सही मत कह दो। हाँ आपने इसका पीडीएफ पढ़ाया तो आप मुकल्लिद हो गए आज के इमामों के क्योंकि उन्होंने पीडीएफ बनाया होगा आपकी तो औकात नहीं है वीडियो बनाने की। अब सुनिए इस हदीस में जितने रावी हैं जिस पहली बात तो ये कि इस हदीस को जो ज़ईफ कहेगा उसको ये फतवा देना पड़ेगा कि इस हदीस में जितने रावी हैं ठीक है अगर वो सारे रावी मैंने सही बुखारी की हदीस में दिखा दिए जो बुखारी की सही हदीस है ठीक है तो आपको इमाम बुखारी की उस हदीस पर भी जरा लगानी पड़ेगी ज़ईफ की पहली चीज। दूसरी चीज इस हदीस को अलविदाया वलनिहाया में इब्ने कसीर ने हाकिम अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने अल मौजिबुल औसत में इमाम तबरानी ने और इमाम हजर ने इमाम बहकी ने इमाम जलालुद्दीन स्वीती ने इमाम बेजाबी ने इमाम जई ने जिसने जिसने सही कहा है हुजूर की हदीस है बुखारी में कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूर किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। तो इस हदीस को अगर उन्होंने सही कहा है तो हुजूर की तरफ झूठ मंसूर किया तो उनके खिलाफ पहले बात सुनो बकवास नहीं करना। हुजूर ने जो बात कही नहीं अगर कोई कहे कि हाँ कही है तो ये झूठ हुआ। इसलिए सहाबा इकराम बहुत सी हदीसों को छोड़ते हैं ना ये तो भाई अभी मैंने देखते हैं खाली भाई सुनो तो सनद के हिसाब से देख रहा है भाई सुनो सुनो उनकी अगर सुनो सुनो वो सनद सही है सुनो 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 अभी मैंने बुखारी की हदीस तुम्हारे सामने पढ़ी थी ना कि सहाबा ने फरमाया हम बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं क्योंकि हमें हुजूर की वो बात याद है कि जिसने जानबूझ के मेरी तरफ झूठ मंसूब किया अपना ठिकाना जहन्नम में करे तो जो बात हुजूर ने कही नहीं सुनिए बात सुनिए सबसे पहले हजरत उमर जाते मैं वही तो कह रहा हूँ जब हजरत उमर फारूक की बारगाह में ये बात कही गई तो आप रो पड़े और आपने कहा कि अल्लाह मैं तो सब्र से काम लेता हूँ वो रसूल की बारगाह में तुम्हें कैसे पता नहीं गए होना चाहिए ना जिक्र भी के मैं तो ये तो रसूल ये... पे जाके माफी मांगूंगा अल्लाह से तो काहे की माफी गुनाह कबीरा किया था क्या ये तो हदीस के तो गुनाह कबीरा जाना जरूरी था माजल्लाह माजल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो हजरत उमर फारूक ने गुनाह कबीरा किया था यार गुनाह कबीरा हो या नहीं हो माजल्लाह उन्होंने अपनी जब तुम्हें कैसे पता लगा कि वो नहीं गए तुम्हें कैसे पता एक मिनट उसकी वजह से बारिश रुक गई नाउज़ुबिल्लाह बारिश हो गई उमर की वजह से बारिश रोक दी गई बारिश हो गई नहीं नहीं किसने बोला कि हजरत उमर की वजह से बारिश रोक गई यार उन्होंने साहबा ने रसूलुल्लाह ने आके यही तो कहा ना जाहिल हो क्या जाहिल हो क्या सख्ती ना करें अपने जज्बातों दुश्मन धाक लगाए बैठे हैं अपने जज्बातों पे काबू रखे सकर रहे सतर्क रहे धाग लगाए बैठे हैं दुश्मन से आगाह भी कर रहे हैं मेरे आका। और एक बार बताओ जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला दुनिया से रुखसत हुए तो उनके जनाजे को हुजूर की बारगाह में जब रखा गया था इजाजत मांगी गई थी कि आपके बराबर में इनको दफन किया जाए तो हजरत उमर ने ये वसीयत क्यों की थी यार ये तो इसमें क्या कितने बड़े जाहिल हो यार यहाँ से ये साबित हुआ कि जिंदा तो छोड़ो हजरत उमर ने अपनी आखिरी जिंदगी में भी ये वसीयत कर रहे हैं कि मेरे जनाजे को हुजूर की बारगाह में रख देना और इजाजत मांगना
और इजाजत मिल जाए तो दफन करना, नहीं तो जन्नतुल बकिया में कहीं भी दफन कर देना। साबित करना है, अब आपको ही साबित करना है कि हदीस हजरत उमर की हदीस ये साबित करनी है अब आपको। अब साबित कर दी तो तौबा कर लोगे, साबित करनी पड़ेगी, तौबा कर लोगे। हुजूर रोजा मुबारक पे रखा गया, मतलब मेरे पास सही हदीस है आयशा के से पूछा गया। एक मिनट खामोश रहो, ये बताओ कि मैंने अगर ये साबित कर दिया 40 मुहद्दिसों की किताब से, जिसमें बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, आप किस कितने मुहद्दिस को जानते हैं, कितने मुहद्दिस को जानते हैं, एक का नाम बताएं। भाई जो फिका है उनको तो सबको अलग नाम बताएं, नाम बताएं। वो छोड़ो नाम तो, अभी तुम इतना बहस मत करो, इतना एक बात बताऊं तुम मुझसे तो हवाले मांगते हो, लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो पल्ला झाड़ देते हो। भाई मैंने कहा दूसरी चीज सुनो मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा की जो हदीस मैंने आपको दे दी, ये हदीस को आपको ज़ईफ साबित करवाना है। और अगर ना साबित, सुने अगर पीडीएफ तो है ना आपका, वो पीडीएफ लिखा किसने, जरा उसका नाम बताइए तो। सब किसी आलिम ने लिखा है, किसी मुहद्दिस, सुनिए मेरी बात, अब मैं बता रहा हूँ। उस पीडीएफ में आपके आज के अहले हदीसों की जो मक्कारी है वो सुनो, उसमें हामिश लिखा होगा, हामिश और अबू साले ये दो रावी ज़ईफ हैं। उस पीडीएफ को पढ़ लेना, अगर हामिश और अबू साले ये रावी उनकी नजर में ज़ईफ है, तो बुखारी की जो सही हदीस में हामिश और अबू साले हैं, उस हदीसों का क्या करोगे? मुदल्लिस है, मुदल्लिस। तो मुदल्लिस, अच्छा फिर तो और दिक्कत हो गई। तो ये सही बुखारी में जो ये रावी हैं हामिश और अबू साले मुदल्लिस हैं, तो ये हदीस सही कैसे हो गई? तो समा की तसरी करते हैं जब जाके इनकी वो समा की तारीफ करना था ना, और बिना समा की तारीफ करें, समा की है तो एक मिनट, समा की तारीफ करें जरा। अरे यार अब फिर वो इतना लंबा बहस का टाइम नहीं मेरे पास, ये जाहिलत सुनो ये जाहिलत छोड़ो। हाँ, और आपको सिर्फ इतना सा बताना है, मैंने बता दिया, हम तवातुर से जाया करते थे, मैंने बता दिया, ठेले लगाते हो ना, मैंने बता दिया, हयात जिंदगी में मेरे सहाबा हुजूर की बारगाह में जाते थे, गुनाह कबीरा करते थे। की बात हो रही है, अब आप हाँ सुने, अब आपकी जिम्मेदारी है, पहले तो आपने गुनाह कबीरा साबित करने की कोशिश की जंगे जमल को, जो खताए इतिहादी पे थी आप वहाँ जाहिल साबित हुए, फिर आपने खताए कबीरा, सुने एक मिनट, खता पे थी क्या? सुने नहीं नहीं खताए इतिहादी, उसको खता नहीं कहते, उसको खता नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको? खताए इतिहादी कहते हैं जिसकी बख्शिश उसी वक्त हो जाती है। दूसरी चीज ये आपने इसको गुनाह कबीरा, जबकि कुरान की आयत में है गुनाह कबीरा के ताल्लुक से, दूसरा आपने हजरत अली हजरत माविया के बीच में जो जंग हुई उसको गुनाह कबीरा साबित करने की कोशिश की, जिसकी पेशन गोई नबी ने पहले ही कर दी थी, वहां जाहिल साबित हुए। तीसरा जहां पे आप साबित हुए हैं कि आपने जो मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा की जो हदीस है उसको ज़ईफ कहा है, और शमा की तशरीह बताई है, खुदा की कसम किसी वहाबीन की माँ ने अगर ऐसा हलाली बच्चा पैदा किया ना, इस हदीस की शमा को गैर मोतबर साबित करके दिखा दे, मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैं आपके हमारे शेख से ही बात कराता हूँ ना, आप आए ना औकात पे, वो शेख कौन से मसलक से हैं? किसी भी मसलक से हो, ये हुई ना बात, तुम्हें मैं बताओ, आप आलिम नहीं, नहीं सुनो 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 कोई आलिम नहीं, मैंने चैलेंज ठोक दिया, सवाल कर रहा हूँ बस, मैंने चैलेंज ठोक दिया उन शेख को, ये कहना, सवाल करता हूँ, मुझे जवाब नहीं मिलता है, बस जवाब मिल गया, सवाल करूँ, मैंने आपको सारे जवाब दे दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो तुमने झूठ बोतान बांधा था कि बरेलवी आलिम जो है भाग जाते हैं गालियां बक बक कर, ठीक है अभी आप भागोगे, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 58 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई, आवाम सुनेगी कि कौन भाग रहा है और कहाँ भाग रहा है। और एक चीज सुनिए, हमारे शेख से बात, आप सुनिए, पता पड़ेगा ना कौन भाग रहा है। जब बच्चे के कान पे थप्पड़ करता हूँ, आप सुनिए सुनिए, आपने जिंदगी में यही सीखा है सवाल करना, क्योंकि आपके शेख जाते हैं बस ये सवाल कर लो बरेलवी से, तुम अपनी पहचान मत बताना। और हुजूर की हदीस है मिश्कात शरीफ में कि जिसने जिसने बड़ी जमात को छोड़ा, बड़ी जमात को छोड़ा, गोया उसने, हाँ उसने गोया इस्लाम की रस्सी अपने गले से उतार के फेंक दी। अच्छा, और आप जमात का नाम नहीं बता रहे, मैंने तो शुरू में बताया अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ। फिर ये क्यों नहीं पकड़ी बड़ी जमात? माज़ल्ला, इमाम हुसैन काफिरों की जमात पकड़ते, काफिर थे तो कौन थे वो? आपको साबित करना होगा कि काफिर थे, मतलब इमाम हुसैन थे जिनसे जंग की वो काफिर नहीं थे सबके सब? आप हाँ, आपको ये साबित करना होगा कौन थे, काफिर थे वो सब मुसलमान थे? इब्ने ज़ियाद मुसलमान था?
मुझे बताओ उसमें क्या सहाबा नहीं थे, मतलब जो हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ लड़े वो काफिर थे? सुनो, आपका दुनिया दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा किया है जो इमाम हुसैन के खिलाफ जो लश्कर इब्ने ज़ियाद का आया उसमें सहाबी साबित कर दे? क्या उसमें सहाबी साबित कर दे? क्या साबित? इब्ने ज़ियाद के लश्कर में ज़ियाद ने ना जब सर काट के लाया गया ना इमाम हुसैन का रजी अल्लाह ताला अनु, तो वो जब छड़ी मारता था ना कौन वो इब्ने ज़ियाद आपके मुबारक होठों पे, तो जब वो साहबी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छा उन्होंने वो चीख पड़े कह रहे क्या करता है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वो बुजुर्ग थे और वो उस जंग में शामिल नहीं थे, तुम जाहिल हो यार एक नंबर के। वो बुजुर्ग अच्छा, थे वो उस जंग में शामिल नहीं थे। दूसरी चीज, उसमें एक बढ़िया थी जो हुजूर की जंग में शामिल नहीं थी। जब उन लोगों को ये पता लगा वो सब के सब, सुनो, जो इब्ने ज़ियाद और यज़ीद से बैत करके उस जंग में आए थे, जो इब्ने ज़ियाद के साथ जितने लश्कर थे जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया, वो काफिर थे। साबित क्या करना है, तारीख तबरी पढ़ लो जाके, तारीख तबरी पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लेंगे, पढ़ लो जल्दी पढ़ के बताना। और सुनो, तुम्हें ये साबित करना है इब्ने ज़ियाद जो लश्कर लेकर के आया सिवाय इमाम हजरत, सुनो, हजरत हुर रजी अल्लाह तआला को छोड़ के, जो लश्कर को छोड़ के इमाम हुसैन की तरफ आ गए थे और कहा था कि मैं दुविधा में फंस गया हूँ, एक तरफ हक है एक तरफ बातिल, तो मेरा दिल ये गवारा करता है मैं बातिल को छोड़ के हक की तरफ आऊं, और वो इमाम हुसैन के लश्कर में आ गए। उनका नाम था हजरत हुर। बातिल की बात थोड़ी, काफिर का तो नहीं जाना है। अभी बता रहा हूँ ना, सुनो, बातिल किसको कहते हैं? बातिल किसको कहते हैं? अरे यार, अच्छा ये बताएं, अच्छा ये बताएं, इमाम हुसैन को जिस लश्कर ने शहीद किया उसे क्या बोलोगे? इमाम हुसैन को जिस लश्कर ने शहीद किया उसको क्या बोलोगे? मुसलमान थे वो तो? चलो ठीक है, तुम्हारी नजर में मुसलमान थे, आवाम सुन लेगी, इस रिकॉर्डिंग को डाल दूंगा। देखिए सामिन इकराम इस मरदूद ने एक बात ये बोली है, सामिन इकराम सुन ले, कि जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया शहीद किया वो सब के सब मुसलमान थे, इब्ने ज़ियाद भी मुसलमान था, यजीद भी मुसलमान था, और जितने उसके लश्कर में थे सब मुसलमान थे, इसने बोला है, मैंने नहीं बोला। इसका फैसला आप करें, इसका नंबर डाल दूंगा, इससे बात करें और इससे हवाला लें। अभी तो आपकी मेरे शेख से बात होगी, अरे आपके शेख की मैं आलिम से बात होगी। आप सुनिए, आपको मैं आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी हम कब करेंगे नाम तब बताए, कब बात कराएंगे? आज इंशाल्लाह आज होता है उनके पास टाइम, आज बात करा। दिन बताएं, तारीख बताएं, बंदा हाजिर है, और अगर इस हदीस को उन्होंने ज़ईफ साबित कर दिया खुदा की कसम मुंह मांगा इनाम दे दूंगा उनको, और नहीं साबित कर सके। सुनो बात, बात सुनो, आगे क्या बात सुनो, अरे तुम्हारे शेख को मैं बताऊंगा ना, सुनो, अगर वो इस हदीस को ज़ईफ साबित ना कर पाए तो तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। कौन सी वाली हदीस को? मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा। ठीक है, अगर उन्होंने इसको ज़ईफ साबित कर दिया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सुनो अभी साबित करवाते हैं। सुनो, और अगर ना कर पाए तो बिल्कुल, ये कोई कदगन नहीं होती, हमारा यही एम हो कि जो मतलब ये है, मतलब सुनो इंशाल्लाह, मतलब ये है कि अगर वो इस हदीस को ज़ईफ साबित ना कर पाए तो भी आप उन्हीं के साथ रहेंगे, मतलब सही हदीस को आप लात मार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर अब आपके आप उनको लात मारेंगे? आप उनको लात मारेंगे? नहीं, हाँ लात नहीं मारते हम मोमिन को। अच्छा मोमिन है वो, मुसलमान है, गलती सब जो सही हदीस को ज़ईफ कह दे जानबूझ के वो मोमिन है? जानबूझ के कहेगा तो हो जाएगा गुनाह, तो जानबूझ के तो कह रहा है और क्या कह रहा है। हाँ तो वो अभी करते हैं ना। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जो जैसे इब्ने कसीर गुजरे, इमाम बहकी गुजरे, इमाम हजर गुजरे, इमाम जलालुद्दीन सूती गुजरे, तो ये बड़े हैं या आपके शेख बड़े हैं? ये भी वो बड़ों से हवाला लेके करे ना। अच्छा, सुनिए सुनिए, इमाम इब्ने कसीर अल विदाया वल निहाया जिल्द 13 के अंदर इस हदीस को लाते हैं, और इस हदीस पर अच्छी खासी बहस करने के बाद नीचे लिखते हैं सनादुन सही, मुसन्नफ इब्ने अभी शैबा की इस हदीस को सही, इमाम तबरानी इस हदीस पर बहस करते हुए इसकी सनद लाते हैं, और सनद लाने के बाद जो हामिश और अबू सालेह के ताल्लुक से मुस्लिम और बुखारी में कई हदीसें हैं जो सही हैं, और शमा की तशरी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये शमा की तशरी जो इन्होंने इस हदीस में की है वही उस हदीस में की है, ठीक है?
तो अब ये बताएं, अब आपको इनके ऊपर फतवा भी दिलवाना पड़ेगा अपने शेख से कि इन्होंने सही कहा है तो ये काफी है। ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो अब आप अपने शेख से कब बात कराएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी, मैं बात करके आपको बताता हूँ आपके शेख का। हाँ, लेकिन अब जो आपने जो एक दावा किया था ना कि बरेली भी भागते हैं, ये दावा आपका हो गया खोखला। ठीक है, अब आप भाग रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं, अब आप भाग रहे हैं, आपने शेख का नाम लिया। चालू का हुए हैं सुनो भाई, अभी तो आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। सुनो तुमने अपनी मर्जी से जवाब, सुनो तुमने कहा मैं अपने शेख से बात कराऊंगा तो ये भागना ही हुआ। ना 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 और क्या हुआ, मैंने तो नहीं कहा मैं अपने शेख से बात कराऊंगा। तो फिर आप इंतजार करिए, मेरे से ही बात करिए फिर आप थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं आपसे बराबर कह रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, कहीं बाजार में हूँ। अरे आप बाजार में हो या कहीं भी हो, जो चीज आदमी कहीं पढ़ता है ना उसके दिमाग में वो किताब रहती है। भाई आलिम थोड़ी ना हो यार, मैं कोई आलिम मैं भी नहीं हूँ, तालिबे इल्म हूँ, और मैं भी रोड पे रास्ते पे हूँ, मैं भी रास्ते में हूँ। आलिम नहीं हो आप यार, खुदा की कसम मैं आलिम नहीं हूँ, तालिबे इल्म हूँ, मैं भी रास्ते में हूँ, सड़क पे चल रहा हूँ, गाड़ी की आवाज मेरी भी आ रही होगी। तालिबे इल्म हो आप, लेकिन मैं तो तालिबे इल्म भी नहीं हूँ ना, मैं तो बिल्कुल ही एक जाहिल होने वाला आदमी हूँ, एकदम जाहिल हो। जाहिल तो नहीं है, लेकिन जाहिल होकर के बातें समझ सकते हैं। जाहिल होकर के फिर आलिमों को, मतलब जाहिल होकर के दावा करते हो बड़े बड़े, बरेलवी मुझसे बात नहीं कर सकते। दावा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जितना भी है ना बिदअतों पे शुमार है, बस आप एक बिदअत साबित नहीं कर पाए। अरे यार वाह वाह वाह, आप बिदअतें लानत अल्लाह अल कादिबीन, आमीन, आप लानत अल्लाह अल कादिबीन, अल्लाह की लानत हो उस पर जिसने अपनी मर्जी से दलील दी है। आमीन बोलो, आमीन आमीन। अब तुमने अपनी मर्जी से दो दलील दी है, लानत हो गई तुम। मैंने तो कोई नहीं दी अपनी मर्जी से, एक दलील तुमने ये दी अपनी मर्जी से कि खता इत्तेहादी को गुनाहे कबीरा में शुमार करने की कोशिश की। दूसरी गलत बात आपने ये कही, गलत हवाला आपने वो पेश किया कुत्ते वाला कि अम्मी आशा पे कुत्ते भौंकेंगे, गलत है वो। कौन सी हदीस है, हदीस का नाम बताओ, आप बोलना कि लाना तो मैंने बिना तहकीक की, हदीस का नाम बताओ, हदीस का नाम बताओ, क्या हो गया ना आप, हदीस का नाम बताओ ना कि मैंने बिना तहकीक की, हदीस का नाम बताओ, मैं तो बताऊंगा। अब आपको बोलनी पड़ेगी लानत अपने ऊपर, फिर कब बताओगे, मैं तो दूंगा आपको इंशाल्लाह, कब दोगे, मरने के बाद, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ अल्लाह के फजल से। उसका नाम तो किताब का नाम तो होगा यार, लेकिन पहले बोलो, मैं तो देता हूँ फिर आपको, किताब का नाम बताओ, दो 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 किताब का नाम बताओ, दो ही नाम बताओ, पहले आपको बोलना पड़ेगा कि लाना तो मैंने बिना तहकीक किए बोल दिया। नहीं नहीं सुनो, हदीस को गलत माना नहीं मैंने, हदीस को सही, मैंने ये मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि सही हदीस को मैंने नहीं माना, मैंने कहा वो हवाला दो, तुमने झूठी बोली के कुत्ते वाली हदीस, हवाला 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 हदीस है हॉप को, हवाला बिल्कुल देता हूँ अभी, रुको आप बताओ जल्दी नाम बताओ,